हल्का सा है ओलंपिक। वन मोर राउंड, एक राउंड और। आ जाइए, ठीक है, चलिए। क्या नाम है आपका? विनोद चंदेल सर। कहाँ से आए हैं? मध्य प्रदेश एमपी मंदसौर से। मंदसौर से। अभी कहीं दर्द हो रहा है? सर अभी दोनों साइड में दर्द है सर। दोनों साइड में सोते वक्त होता है सर वो। सोते वक्त। और एक यहाँ से नस खिंचाती पीछे से, तो यहाँ हल्का हल्का। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। ये पहले से उठाओ 90 डिग्री पे, वेरी गुड। दूसरा उठाइए, ठीक है, ओके। कोई दर्द तो नहीं महसूस हुआ इधर आगे साइड में? हल्का सा कभी कभी होता है, अभी नहीं हो रहा है। हल्का सा कभी कभी होता है, ठीक है। पैर फैलाइए, कितना फैला सकते हैं फैलाइए। वो जा रहा है थोड़ा, ये थोड़ा सा कम जा रहा है, फिर भी काफ़ी बेटर। अभी कोई दर्द? अंदर साइड में दर्द हो रहा है, दोनों तरफ से है, ओके। बाहर ये लेटरल साइड यहाँ नहीं हो रहा है, चलो ठीक है। चलिए, एक्सरसाइज किया आपने? सर आपको कंटिन्यू फॉलो कर रहा हूँ सर, एक साल से एक्सरसाइज कर रहा हूँ। एक साल से कर रहे हैं? मार्च के बाद से आपको फॉलो कर रहा हूँ सर। हाँ 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 हाँ, फर्क पड़ा सर कंटिन्यू? चलिए ये बढ़िया है, बढ़िया। रात को सोते समय दर्द का क्या कंडीशन? दोनों साइडों में दर्द होता है। साइडों में दर्द होता है। चेयर से उठने बैठने में? चेयर से उठने में जब बैठ जाता हूँ तो सुन हो जाता है, उठने के बाद थोड़ा सा हल्का सा उसके बाद 1 मिनट उठने के बाद चल जाता हूँ। 1 मिनट उठने के बाद फिर चल पाते हैं। चलिए ठीक है, अब देखते हैं 7 डेज में क्या चेंज। आ जाइए, साल तो काफ़ी फास्ट हो गई है, वेरी गुड। वन मोर राउंड, एक राउंड और। आ जाइए, वेरी गुड। चंद्र प्रकाश जी हैं? विनोद चंदेल सर। विनोद चंदेल, सॉरी। कैसा लग रहा है अभी? सर बहुत अच्छा फील हो रहा है सर। क्या कहते हैं, हल्की लिंपिंग तो भी खत्म हो गई, साइड के सारे दर्द चले गए सर। साइड के सारे दर्द चले गए हैं, ओके। पैर से उठाओ, अरे वाह वेरी गुड, तो जवान हो गए बिल्कुल हैं। दूसरा उठाओ, अरे वाह, अब तो परेड भी कर सकते हैं बढ़िया। चलिए ठीक है, रिलीफ मिला है सर। हाँ हाँ, स्टाफ भी बहुत कोऑपरेटिव सर आपका, और आपका तो नेचर बहुत अच्छा ही है वैसे भी सर। वैसे ही स्टाफ का भी है। तो पूछे अगर 100 में कितने मार्क्स दोगे? 70% लगभग रिलीफ हो गया मैं। 70% रिलीफ हो गया। सेकंड स्लीप में मुझे लग रहा है 100% रिलीफ हो जाएगा। हाँ हाँ। ट्रीटमेंट कैसा लगा? ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है सर यहाँ का। ट्रीटमेंट हैप्पी? यस सर। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू, माई सेल्फ डॉक्टर विजय प्रकाश फ्रॉम सौभाग्य आयुर्वेद शारदानगर कानपुर, सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर एट सौभाग्य आयुर्वेदा, स्पेशलिस्ट इन एवियन एंड स्पाइन एंड जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम। तो फ्रेंड्स, एवियन की सीरीज में एक पेशेंट और है, मिस्टर विनोद चंद जी, और ये आए हैं एमपी से, मंदसौर से, है ना? जी सर। और ये इनकी पहली सीटिंग है, जानेंगे इनसे कब और इनको कैसे एवियन के बारे में पता चला, और फिर मेरे बारे में कैसे पता चला, और आज इस ट्रीटमेंट को करने के बाद इनको क्या क्या फ़ायदे नज़र आ रहे हैं। तो विनोद जी बताइए फ्रॉम द बिगिनिंग, कैसे क्या क्या हुआ आपके साथ? सर मुझे सबसे पहले मेरे बड़े भैया कोरोना में वार्ड में भर्ती थे, उनके साथ में भर्ती रहा, उसके बाद से कोरोना हुआ। मैं पुलिस में हेड कांस्टेबल के पोस्ट पर पदस्थ हूँ, ठीक है, और मुझे अभी तक 3 बार कोरोना हो चुका है। 3 बार कोरोना हो चुका है, ओके। उसके बाद कोरोना के बाद नॉर्मली पेन नहीं था, ड्यूटी कर ही रहते हैं। कितने दिन ट्रीटमेंट चला था कोरोना का आपका? वो 5 डेज। 5 डेज चला, ओके। घर पे मेडिसिन चलेगी? घर पे हमारे भैया के साथ हॉस्पिटल। हाँ, मेरे हमारे मामा जी की लड़की, उनके हस्बैंड MBBS MS है, तो घर पे चढ़ा देते थे सीरिंज सारे। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। फिर उसके बाद, फिर पेन? उसके बाद एक दिन थाने पे था तो गाड़ी से गिरा, एक साइड में पेन चालू हुआ, तो नॉर्मली मंदसौरी ट्रीटमेंट कराया, उससे कुछ फर्क महसूस नहीं हुआ। तो उसके बाद मैंने ट्रीटमेंट करवाया भीलवाड़ा में, जहाँ ऑर्थोपेडिक हमारे बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं, उनसे करवाया, तो उन्होंने MRI की सजेस्ट करा, तो उसमें एवियन डिटेक्ट हुआ था। सिर्फ उनका कहना था हिप्स में थोड़ी प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं, आप गोली खाइए। उसके बाद मेरी ऐसी समस्या हो गई थी कि मैं कुर्सी के सहारे चलने लग गया था घर पे। अच्छा, ये वाला पहले एक पैर वर्क करना बंद करा तो कुर्सी के सहारे चला, फिर थोड़ी बहुत गोलियां दवा एक्सरसाइज करी, फिर दूसरे पैर में वही समस्या हो गई। फिर उसके बाद मैंने अहमदाबाद की तरफ रुख करा, अहमदाबाद में राजस्थान हॉस्पिटल दिखाया था, जहाँ डॉक्टरों द्वारा सजेस्ट किया गया कि आप ऑपरेशन करा लीजिए, ठीक है। फिर वहाँ से भी गोली दवाई लाया, थोड़ा 15-20 दिन रिलीफ रहा, उसके बाद फिर फर्क नहीं पड़ा, तो उसके बाद मैंने हिंदुजा हॉस्पिटल मुंबई दिखाया,
तो वहाँ का ट्रीटमेंट अभी वर्तमान में चल रहा था, पर इतना रिलीफ नहीं था जितना होना चाहिए। ठीक है। फिर सर के बारे में बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पे मैंने देखे, फिर उसके बाद लगा कि वहीं ट्रीटमेंट लेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो उसके बाद फिर मैं यहाँ कानपुर आया। ठीक है। तो अभी यहाँ एक सेटिंग हो जाने के बाद अब कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा रिलीफ हो रहा है, 70% से लगभग ऊपर मेरा रिलीफ हो गया है, मतलब चलने में जो लिंपिंग थी वो खत्म हो गई, साइड के सारे दर्द खत्म हो गए मेरे। ये तो पहली ही सेटिंग है, अभी दूसरी सेटिंग और होनी है तो और अच्छा हो जाएगा। तो आपने देखा होगा कि ये एवियन बीमारी खासतौर से यंग एज के लोगों को ज़्यादा हो रही है। जी सर। है ना, नए लड़के हैं जिनके अभी शादी भी नहीं हुई है, तो क्या सजेस्ट करना चाहेंगे आप उन लोगों को? कि जिसको जितना जल्दी डिटेक्ट हो जाए तो जितना जल्दी हो सके सुबह आयुर्वेद आइए, ताकि आपको जितना ज़्यादा रिलीफ मिलेगा उतना जल्दी मिल जाएगा, क्योंकि आप जितना समय व्यतीत करेंगे आपकी स्टेजेस बढ़ती जाएगी। यस, यस, और बाद में आपको समस्याएं बढ़ती जाएगी। अगर स्टार्ट में आपको डिटेक्ट हो जाता है तो आप पहले यहाँ आइए डॉक्टर की बजाय, क्योंकि डॉक्टर आपको 6 महीने 8 महीने टालने के बाद फिर आपको आना यही है, तो इससे अच्छा 6 महीने पहले आके ना अपना बेनिफिट ले लें। वो भी 6 महीने 8 महीने टालने के बाद सर्जरी बाद में रिकमेंड कर देंगे तो क्या फ़ायदा है? पहले आप इसको ट्राई कीजिए और इसी से ही आपको सब कुछ सीखने को मिल जाएगा कि किस तरह से हमको सर्जरी को अवॉइड करना है और कैसे हम सेफली अपने ओरिजिनल लिम्ब जॉइंट को बचा के ले जाएं और पूरी ज़िंदगी बचा के ले जाएं, तो सबसे अच्छी बात है ना। तो कोई भी ग्रेड हो, जितना जल्दी आएंगे उतना अच्छा रहेगा। इवन 4th ग्रेड में भी आते हैं तब भी आपको इतना आराम तो मिल ही जाएगा, 50% आराम मिल जाएगा कि आप ओरिजिनल हिप जॉइंट को भी काफ़ी लंबे समय तक चला सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका विनोद जी, और आप सभी व्यूवर जो भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, एटलीस्ट एक्सरसाइज करना तो स्टार्ट कर ही दीजिए, उससे ही आपको काफ़ी रिलीफ मिल जाएगा अपने घर पे। और बाकी जैसे ही आपको रिलीफ मिलना स्टार्ट हो मेरे पास तुरंत आ जाइए, कंप्लीट रिलीफ आपको मिल जाएगा। जरूर आइए, सभी जल्दी से जल्दी आना है, जल्दी से जल्दी आना। थैंक यू। तो ठीक है फ्रेंड्स, हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, सो दैट की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन एंड नोटिफिकेशन मिले। टिल देन नमस्कार। Thank you.